हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल जो आपने व्लॉग देखा था वो इसके आगे का पार्ट देखा था। आज मैं इसके आगे, जो कल आपने देखा था उसके आगे का ही व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। तो कल हम लोग अपने मेरे भाई के घर से निकले थे और चाचा चाची जी के घर जा रहे थे, यानी कि मेरी चाची सास के घर हम लोग जा रहे हैं, जिनसे आप पहले लास्ट व्लॉग में मिल चुकी। चाचा जी दिख गए थे आपको, लेकिन चाची जी नहीं दिखी थी। और आप पहले, अगर मेरे पहले के व्यूवर हैं तो आप चाचा चाची जी से भी मिल चुके हैं। मैं इनके घर आई हूँ और यहाँ का व्लॉग भी मैंने किया है। ये फरीदाबाद में रहते हैं। बहुत ही अच्छा व्लॉग आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो बने रहिए पूरे व्लॉग में और व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा आई एम श्योर। तो चलो चलते हैं और मिलवाते हैं आपको सबसे। है ना? अपने वो तो दिखा दे, लाइट तो दिखा दे अपने जूतों की। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। ये तो बहुत स्ट्रांग है। वेरी गुड। हेलो हेलो चाची जी, हाउ आर यू? और चाची जी कैसी हैं आप? चल रहा है बस। मैंने अभी बनाया। अरे शक्ल तो बहुत प्यारी है आपकी। कान में नहीं, नहीं नहीं नहीं, शक्ल तो बहुत प्यारी है। और ये देखो अपने दादू के पास गोदी में कैसे मजे से लेटी हुई है। और हीरोइन पैर चल रहे हैं। पैर हो यार, इसको छोड़। और क्या केक बन गया चाची जी? बहुत अच्छा केक बनाती है हमारी चाची जी। वाह, ये मेरी चाची जी ने बनाया। 12 बज रहे हैं, मेरा दिमाग मंदिर में दर्शन करने आई है। बिटिया को दर्शन करा दिए। अरे बाजी। तो यहाँ पे ईरा फर्स्ट टाइम आई है। चाची जी ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा केक बनाया है कट करवाने के लिए। और चलिए आ जाओ, उधर आ जाओ, चलो कट गया है ये। ओके, तो देखा आपने कि चाची जी ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा केक बनाया है ईरा के वेलकम में। और चाची जी बहुत अच्छा केक बनाती हैं, बहुत वैरायटी वाले, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, और ऑर्डर वाले केक भी बनाती हैं। अगर रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब आ गई हैं चाची जी खाना बनाने फटाफट से, फास्ट फास्ट। बहुत अच्छा था केक। आप लोग भी अगर केक लेना चाहते हैं और फरीदाबाद से हैं तो चाची जी से कांटेक्ट करें। हाँ जरूर। बहुत अच्छा केक बनाती है सच में, और बहुत जल्दी बना देती हैं। तो अगर आप केक लेना चाहते हैं तो फरीदाबाद में कांटेक्ट करें, नंबर हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, थैंक यू, वेलकम। जी जी, आपने इतनी, ये क्या है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। चाप? यस। वाओ, मिस्टर वर्मा की तो पसंदीदा चीज है यार। मैं पनीर, इतनी जल्दी आप कैसे बना ली? हम लोगों ने ये सोचा कि हमने वहाँ कश्मीर में, क्योंकि वहाँ सब्जी वब्जी की प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पनीर यूज किया खाने में। अच्छा, पनीर यूज किया तो तुम्हें पता ही है जब इतनी पनीर जाएगा 2 महीने तो बिल्कुल बिल्कुल। और ये है क्या? राजमा बनाया, राजमा बनाया, राइस, चाप, और है जलेबियां। वाओ, जो कि गरम जलेबी। चलो भाई, पीहू खाना लगा है? भूख लगी है? नहीं लगी है, थक गई है। पीहू क्या खा रही है खाने में? दे दो, लगा दो आप उसकी प्लेट। नहीं नहीं, वो सब चीज ऐसे बोले, प्लेट लगाओ। जलेबी, मजा आ रही है, मजा आ रही है। क्या सही बात है? ये बात बताने की। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्या कर रही हैं चाची जी? वाइंड अप हो गया बस जी। चलिए अब आप भी लेटिए, बहुत
थक गए अब तो आप भी। चलिए चलिए, मजा आ रहा है पियू? मजा आ रहा है ना? डरते थोड़ी ना है। करो स्विंग करो। ये देखो, ईरा कहाँ बैठी है? ईरू ईरू ईरू। गुड मॉर्निंग गाइस, फरीदाबाद में सुबह हो रही है और रात में कल बारिश हुई है, बहुत देर तक बारिश हुई है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है। और मैं उठ गई थी सुबह 7 बजे, वहाँ नीचे मंदिर है, यहाँ पर भी तो सुबह आरती हो रही थी, तो सुबह की आदत है ना, तो वो नींद खुली गई थी। और अब मैं जा रही हूँ, फटाफट से नहा लेती हूँ, हेयर वॉश भी करना है, आज एक शादी है उसको अटेंड करना है हम लोगों को, तो वापस से दिल्ली जाना होगा। तो चलो पहले मैं नहा के आती हूँ। तो मैं यहाँ पे हेयर वॉश करके आई हूँ एंड ईरा खेल रही है, पीहू भी खेल रही है, दोनों बच्चे मस्त एकदम एंजॉय कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे हेयर ड्राई कर रही हूँ क्योंकि जब तक मेरे बाल नहीं सूखेंगे तब तक मैं ईरा को फीड नहीं करा सकती हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग जा रहे हैं आज फरीदाबाद की मार्केट चाची जी के साथ, ओल्ड फरीदाबाद। चाची जी ओल्ड फरीदाबाद, कमेंट में बताएं बताएं फरीदाबाद का नाम किस लिए पड़ा थे। ओके ठीक है, आप लोग भी बताइए फरीदाबाद का नाम फरीदाबाद क्यों पड़ा है। कल सूट करी कल तेरे तेल वाली। नहीं नहीं वो तो अच्छी लग रही थी आपको, इसीलिए इधर बस बेटा सर्विस सर्विस सुना गया। ईरा सोने जा रही है बुआ की गोदी में एकदम प्यार से। ये है फरीदाबाद मार्केट, ओल्ड फरीदाबाद। यस यस यस। नहीं है और देख ली, ये वाला फर्स्ट वाला दिखाइए। नहीं है, आइए आइए ईरू जी आइए। तो मैं यहाँ पर अपने लहंगे के लिए हेयर एक्सेसरीज़ देख रही हूँ, मैचिंग का ब्लाउज़ लेकर के आई हूँ, उसी से मैचिंग का मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अगर कुछ मिल जाता है तो हेयर स्टाइल में लगाने के लिए हो जाएगा। तो बहुत देखने के बाद फाइनली मुझे इस शॉप पे मिल गया था, काफ़ी सुंदर सा है, जब मैं वो रेडी होंगी तब आपको दिखाऊँगी। तो हम आए हैं फरीदाबाद में यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज लेने के लिए अपने लहंगे के लिए। ये देखो कैसा लग रहा है साली, सही लग रहा है, इसके अलावा सिल्वर नहीं चल रहा ना, सिल्वर नहीं चल रहा ना। और देखते हैं फिर, चैनल बताओ फॉलो कर लेंगे जरूर जरूर। एक सेकंड देखते हैं, एक सेकंड आप। चलिए डायपर लेना है और हाई नेक लेना है, मिल जाएगा मर्जेंटा कलर में। आ रही हूँ आ रही हूँ। तो बस जो जो मुझे लेना था वो सब मैंने ले लिया है, यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें थी वो सब मैंने ली हैं। और अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, वापस घर आएंगे और फिर उसके बाद हमें जाना है एक शादी में, जो कि आपको भी लेकर के चलेंगे। तो चलिए मैं ये व्लॉग यहीं पे फिनिश कर देती हूँ, मिलती हूँ कल अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।